चलो आज का जो क्लास है वो आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। आज का जो क्लास है वो वर्गमूल घनमूल का है, तो बेसिक आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ट्रिक से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख लेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है यह चैप्टर आज जो है कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो वर्गमूल और घनमूल, ठीक है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे वर्गमूल को, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे अगर आपका 64 का वर्गमूल निकालना है तो एक तो आप गुणनखंड विधि से बनाते होंगे यहाँ पर, उसमें जैसे इस तरीका से करते होंगे, फिर दो दो का पेयर कर देते हो, यानी तीनों मिलाकर के क्या हो गया आपका 2 × 4 × 8, ठीक है? 2 × 2 × 2 यानी 8। तो ये तो तरीका है ये बेसिक, ठीक है? दूसरा है आपका जो है हम टेक्निक का यूज करेंगे, ट्रिक और टेक्निक का, ठीक है? उसमें हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 का स्क्वायर बस आपको याद रखना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है? 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, ठीक है? उसी प्रकार से 8 और 9 का भी स्क्वायर लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 64। और 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 81। ये आपको पता ही रहता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 रहे तो उसका वर्गमूल क्या क्या हो सकता है? यहाँ भी 1 आपको दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है उसका वर्गमूल 1 होगा या 9 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 है, यहाँ भी आपको 4 दिख रहा है और यहाँ भी 4 दिख रहा है, ठीक है? तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? जब संख्या के लास्ट में 4 है उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है तो देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा या 7 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका वर्गमूल 4 होगा या 6 होगा। किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका वर्गमूल हमेशा क्या होगा? 5 ही होगा। तो इस तरीका से आप जो है समझ गए कि किस संख्या के लास्ट में क्या होगा, तो उसका वर्गमूल क्या क्या हो सकता है। तो यही संख्या अगर लास्ट में है 1, 4, 9, 6, 5 तभी आपका कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा, ठीक है? नहीं तो अनदर केस में आपका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको पता होगा। तो कंप्लीट वर्गमूल किस किस केस में निकलता है? 1, 4, 9, 6, 5 होगा लास्ट में तभी आपका कंप्लीट निकलेगा। और जब भी 4 डिजिट 5 डिजिट का क्वेश्चन देगा या 6 डिजिट का, तो इतना याद रखिए कि उसका कंप्लीट वर्गमूल निकलता होगा, ठीक है? तभी क्वेश्चन में वो पूछा है। अगर नहीं निकलेगा तो आपका जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन कभी भी ऐसा कंपटीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तो ज्यादा टाइम टेकन या कुछ भी ऐसा रहता है। सिंपली आपको वहाँ उसी तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं क्योंकि आप लिमिटेड टाइम में जो है काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और उसको करके बताते हैं कि कैसे आप बनाइएगा इस, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है 2116, ठीक है? 2116 इसको आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना। एक क्वेश्चन पहले करके हम बता देते हैं आपको, ठीक है? उसके बाद जो है 2-3 क्वेश्चन पहले लिख ही लेते, ठीक है? उसके बाद जैसे आपका दे दिया 3164, इसका अगर वर्गमूल निकालना है ये सब का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, ठीक है?
जैसे पहला क्वेश्चन 2100 है, तो हम क्या करते हैं पीछे से पेयर करते हैं, 2100 को क्या करेंगे हम पेयर करते हैं, जोड़ा लगा दिए पीछे से, तो 1 6 का जोड़ा लगे, तो अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 6, और हम यहाँ पे देखे थे कि 6 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो उसका वर्गमूल 4 होगा या 6 होगा, तो कन्फर्म नहीं है इसलिए इसको साइड में लिख लेंगे 4 और 6 को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आगे का, आगे का संख्या क्या है 21 है, इसको देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में, ये गौर कीजिए 4 4 16 और 25 25 के बीच में आता है, तो 4 और 5 के बीच में है, उसको गुना कर लो तो 20 हो गया, 20 से 21 ज्यादा है कि कम है, जो क्वेश्चन का पार्ट है तो ज्यादा है, तो यानी 4 6 में ज्यादा कौन सा है उसको ले लेंगे 6, 4 6 में ज्यादा कौन सा है, क्योंकि गुना किए तो उससे ज्यादा हुआ आगे वाला पार्ट, इसलिए इस दोनों में जो बड़ा पार्ट है उसको ले लेंगे, और आगे में हर हमेशा जिसके स्क्वायर के बीच में उसमें छोटा वाला ही लेते हैं, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया आपका 46, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन एक और हम करवा देते हैं, फिर आप दो क्वेश्चन करके देखिएगा। जैसे यहाँ 3364 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ सर आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का पेयर करेंगे, लास्ट में क्या है 4 है, तो इसका वर्गमूल 4 के केस में हमने बताया था आपको, या तो 2 होगा या 8 होगा, तो साइड में लिख लेंगे 2 या 8, ठीक है। अब देखेंगे आगे का, तो यहाँ 33 है, किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 25 25 और 6 6 36, 5 और 6 के बीच में होता है। अरे जाओ यहाँ एक सेकंड, जाओ यहाँ देखो क्या कर रहे हो, एक सेकंड, बच्चे लोग आ जाते हैं, चलिए तो यहाँ पर जो है इधर मेरा, चलिए तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए जिसके स्क्वायर के बीच में, तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो 5 6 क्या हो गया 30, 30 से ज्यादा है, तो इसमें देखेंगे 2 और 8 में ज्यादा कौन सा, 8 वाले को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गुना किए तो उससे ये 33 क्या है ज्यादा है, और इधर जो है सबसे छोटा वाला होता है वही लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ गया 8। इसी तरीका से 3 और 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग करके आंसर बताइए क्या होगा। क्या आया जैसे क्वेश्चन है 2401, तो पेयर करेंगे पीछे से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 तभी आता है, 9 9 81 और 1 के स्क्वायर, 1 या 9 होगा, आगे का किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखेंगे 4 और 5 के बीच, 5 और 24 है, ज्यादा वाला ही लेंगे, और आगे में क्या आगे आपका 14 है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बना के देखिए, 17 64 का वर्गमूल निकले, तो यहाँ देख सकते हैं पीछे में 4, तो 2 2 4 88 64 में 4 आता है, यही होगा। आगे का देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में, तो 3 और 4 3 3 9 4 4 4 नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में, 4 5 20 यहाँ से कम है 17, तो कम वाला ले क्या ले लेंगे 2, और आगे में तो सबसे कम वैल्यू वही, यानी क्या हो गया
42। इसी प्रकार से आप लोग जो है 4 डिजिट 5 डिजिट का वर्गमूल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो चैप्टर है उस पर आते हैं। जो आपका चैप्टर है वो किस प्रकार से आपका बनेगा वो करते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। बराबर और बरा के केस में बरा वैल्यू लेंगे, ठीक है, और लेस देन के केस में छोटा वैल्यू लेंगे, मतलब लेस देन के केस में जो गुना करते हैं उससे छोटा होगा छोटा वैल्यू। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, जो चैप्टर है उस पे। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है अच्छे से? हाँ लवांशु, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे है आपका, पहला क्वेश्चन आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा तो इसको काटिएगा तो आप देखिएगा 121 टर्म में कट जाएगा, 48 से 5808 121 के टर्म में कट जाएगा। तो अगर इसको आप रूट ओवर 121 करेंगे तो वह वैल्यू 11 देगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब। आप लोग बनाइएगा तो आप देखिएगा इसका यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। 625 और 729। ठीक है, अब देखिए घनमूल में अगर क्लास किए होंगे तो उस समय हमने बताया होगा घनमूल भी। ठीक है, तो ये चैप्टर वर्गमूल है और घनमूल है, तो थोड़ा सा घनमूल का भी चर्चा हम कर देते हैं आपको। ठीक है, तो तब आसानी से और भी ज्यादा आप बना पाइए। देखिए घनमूल कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बचपन से घनमूल सीख ही चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक से हम आपको सिखा देते हैं। देखिए घनमूल में क्या होता है कि जैसे ये बहुत आसान होता है, वर्गमूल से भी आसान जो होता है आपका घनमूल होता है। एक का क्यूब क्या होता है? एक। दो का क्यूब आपको पता होगा क्या होता है? 8। 3 का क्या होता है? 27। 4 का क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। उसी प्रकार 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343। 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512। 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप 1 से 9 तक का क्यू याद रखते हैं तो आपको घनमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर रखते हैं। क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है 175616। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहला नियम क्या करेंगे कि पीछे से 3 का क्या करेंगे? पेयर कर देंगे। ये 3 616 हो गया, 3 संख्या आ गया। अब देखिए 1 से 9 तक में 6 किसी एक ही संख्या के लास्ट में आया हो,
और वो होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ भी 6 है, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? 6। ठीक है, अब देखेंगे आगे का, तो क्या बच गया? 175। देखेंगे किसके क्यू के आसपास, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गौर कीजिए, 5 में 125 और 6 में 216, तो ये क्या हो गया है? 216 ज्यादा हो गया 175, इसको तो लेंगे नहीं, तो उससे कम वाला, क्योंकि 175 से कम वाला क्यू के आसपास है, तो 5 वाला ही है, तो ये हो गया। तो 125 है उसी का क्यू जो होता है आपका 5 का ही है क्यू, 125 क्यू रूट 5 ले लेंगे, तो क्या आ गया आपका 56। एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम। अब देखिए फिर पहला नियम क्या है, 3 पेयर करते हैं, लास्ट में क्या 8। अब देखिए 1 से 9 तक में एक ही जगह आपको 8 देखिएगा, वो कहां पर है? ये में। तो लास्ट में क्या हो गया आपको? 2। 2 और आगे में देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिए, 729 9 का याद किए हैं, अगर 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला ही लेते हैं, इससे जो वैल्यू है उसे कम ही होना चाहिए, यानी 9 का हम यहाँ पे लेते हैं, तो क्या हो गया? 92। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना के बताइए क्या आएगा। पहले 3 का पेयर करेंगे 7 है, और 1 में ही 7 आया होगा, यहाँ पर किसमें आया? 3 में, पीछे 3। आगे देखिए क्या बच गया? 79। और देखिए किसके क्यू के आसपास है? 64। 4 का है, अगर 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लेंगे? 4 वाला। ये क्या हो गया? 43। तो मुझे लगता है आप लोग ट्रिक से घनमूल निकालना भी सीख गए। क्या अंजलि कुमारी कोई प्रॉब्लम भी है? मनीषा? नो सर। समझ रहे हैं ना इसको अच्छे से? यस सर। चलिए अब हम फिर से चैप्टर पर आते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका अगर रूट के अंदर कुछ नहीं है तो यानी वो वर्गमूल है। ठीक है, अगर 3 रहेगा तो इसका मतलब है वो घनमूल निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा? 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25। और यहाँ पे घनमूल 729 का अभी हमने बताया 9 का क्यू होता है 729, तो 729 का क्यू रूट क्या हो गया? 9। अगर इसको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? 225। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस टॉपिक में। और फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए जब छोटा वैल्यू होगा तो आपको हो सकता है कि कंप्लीट वर्गमूल ना निकले, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बुक में देख लूं कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी होगा। क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले 24 का वर्गमूल निकाल लें, तो जो सिंपल विधि है, क्योंकि ये छोटा संख्या है तो आप सिंपल विधि से ही निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? 2√6 यही होगा, 24 का हो गया 2√6। उसके बाद 216 का निकालिएगा, ये दो पेयर हो गया, ये दो पेयर हो गया, यानी 6√6। 216 का क्या आ गया? 6√6। उसी प्रकार से 96 का भी निकाल लीजिए, आप लोग तेजी से निकालिए। चार रूट
इसका होगा 4√6। ठीक है, अब सब वैल्यू लिख करके काट लीजिए। 24 का क्या आया था आपका, क्या आया था 24 का? 2√6। √6 यही आया ना। अब यहाँ पर यही आया है, रूट सिक्स आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2 और +6 क्या हो गया 8, और यहाँ पर भी रूट सिक्स को इधर लिख दीजिए और 4, √6 का कट गया, 4 × 8 आंसर क्या आ गया आपका 2। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को, इसी तरीका से बना दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए क्या होगा, 529 और 2304। ऐसा आएगा, ये है ना 2304 का निकाले थे 48, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। समझ गए क्या, कि दिक्कत भी है? यहाँ तक समझ आ गया ना, 2348 कैसे वर्गमूल ट्रिक से निकाल लिए, समझ गए ना सब लोग? इसको लिखिए, इसको लिख सकते हैं √8/196 का रूट करोगे करेंगे 14 है, और इसको करेंगे 72/56, 14 × 4 = 18 √8 = क्या आ गया 18। अगर रूट हटाना है तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 88 × 64 = 4 × 6 = 324 324 क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर अभी बताए थे 3 में, वही है, सेम पैटर्न पे आधारित है। जरा जल्दी से बना के आप लोग हमको आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6। मनीषा कुमारी जो है म्यूट कर लीजिए, बगल में बच्चे लोग सब बोल रहे हैं। सर 2 आंसर आया है, 2 बना लिए? यस सर बना लिए। 32 का कितना आया वर्गमूल? 4√2। 48 क्या आया? 4√3। 8 का क्या आया? √8 का 2√2। 2√2 और इसका 2√3। ऊपर में 4 को मान ले लीजिए, नीचे में 2 ले लीजिए, कट जाएगा। हाँ, √2 + √3 बाय नीचे 2।
चलिए इसका आंसर आ गया आपका दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सात बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको घनमूल निकालना है, तो एक इसको अगर घनमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, सात, यही आ जाएगा, सात एक आठ, आठ का जब घनमूल निकालिए तो क्या आ जाएगा, बन गया। इस क्वेश्चन को आगे करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रमेय कर्म करना पड़ता है, ठीक है, तो इसको आगे लास्ट में पता है, इसको बने जो जो आसान क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन वो नहीं बने, इसको इधर से शुरू करेंगे, 225 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। क्वेश्चन क्या है, एक पांच छ एक दो प्लस एक पांच चार प्लस दो दो पांच, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 15। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे 225 का 15 154 में जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 13। अब फिर 13 एक पांच छ एक दो में जोड़ेंगे ये क्या आ जाएगा, एक पांच छ दो पांच, यही आ जाएगा। और इसका अगर आप निकालिएगा वर्गमूल तो 5 आ जाएगा, आगे में देखिएगा किसके स्क्वायर के बीच में है, 12 और 13 के बीच में बराबर वैल्यू, इसलिए 12। ऐसे भी 5 वाला में हर हमेशा 5 कंफर्म ही रहता है, जो छोटा वैल्यू होता है वही ले लेते हैं, 12 13 के बीच में 156 है, क्योंकि बराबर है 14 से 13 है 169, 12 13 के बीच में छोटा वाला वैल्यू अपने मन से ही ले लेंगे, क्योंकि 5 के केस में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, तो वर्गमूल क्या हो गया आपका 125। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है 16, और फिर इधर जो है आपका क्यूब रूट है, घनमूल में 512 है और आपका 8, तो सिंपल सी बात है जब इसको हटाएंगे इसका घनमूल 512 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा 16। तो 16 यहाँ पर लिख सकते हैं 16 × 16, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको आप सिंपली आप जैसे बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं, √3 LCM हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का क्या हो गया आपका वाले, ठीक है, जब आप ये कीजिएगा तो 3 − 1 = 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा 3, जब इसको करेंगे तो 3 × 1 1 × 1/3, 3 × 1 = 3, 4/3, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, दशमलव उड़ाने का प्रयास करेंगे, ये दशमलव अगर उड़ाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, घनमूल है, फिर वर्गमूल है, और 0.224, 4 आपका शून्य है, फिर 64 है, ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि 6 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 8 आ जाएगा और इस पे 3 शून्य पड़ जाएगा, क्योंकि 6 का क्या आ जाएगा, 3 शून्य पड़ जाएगा वर्गमूल के केस में, फिर आप इसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका 10, आंसर क्या आ जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, फिर से समझाइए सर, नहीं समझाइए 12। देखो ये तुम्हारा करनी में घनमूल है ये, और ये वर्गमूल है, ठीक है, दशमलव के बाद देखो कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो दशमलव उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पे 6 शून्य बैठा देते हैं, और इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि अंदर में क्या है आपका करनी में 2 दिया हुआ, यानी वर्गमूल निकालना है इसका,
तो वर्गमूल 64 का 8 हो जाता है और 1 पे पावर 6 सुन्ना का क्या बच जाएगा, 3 सुन्ना, क्योंकि 2 में से 1 निकलता है ना वर्गमूल के केस में, ठीक है। तो यहाँ 6 शून्य है तो 6 शून्य में 3 शून्य निकल जाएगा, तो ये हो गया 1000, 8/1000। फिर इसका क्या है, घनमूल निकाल देना है, तो घनमूल निकालते हैं तो 8 का 2 हो जाता है और 1000 का घनमूल निकालोगे 10 हो जाएगा, 1000 का तो 2/10 यानी 0.। अब समझ लगा? यस सर। देखो इसका जो है ना दो विधि है, एक तो ट्रिक विधि है और एक तो सिंपल विधि। इसमें क्या करना है कि इसको मान लो हम एक्स वाई कुछ भी मान लेते, जैसे इसको हम वाई मान लेते, वाई इक्वल टू 12 + √12 + √12, और ये कहाँ तक चला गया, अनंत तक चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बॉस साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर हम बॉस साइड स्क्वायर करते हैं तो इधर का रूट हट जाएगा, जब भी रूट दिखे तो उसको हटाने के लिए आप स्क्वायर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर किया, दोनों साइड करते हैं तो बात बराबर हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 1 रूट हट जाएगा, तो 12 + फिर क्या हो जाएगा, √12 + √12 + ……… अनंत तक चला। देखिए कोई भी संख्या अनंत तक गया है तो उसमें से अगर जैसे समुद्र में से जैसे एक गहला पानी निकाल ले तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब रूट 12 अनंत तक गया है, 1/12 का रूट हट भी गया तो भी यह क्या हो जाएगा, y के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही मान लिए थे y इक्वल टू √12 √12 अनंत तक, ठीक है। तो इसको y स्क्वायर इक्वल टू हम फिर 12+, क्योंकि इसको हम पहले ही मान लिए थे y, 12+y, फिर इसको हम y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 लिख सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 4 + 12 होता है, y स्क्वायर माइनस 4y + 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इंटू y माइनस 4 + 3 × y - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया y + 3 × y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 आ गया -3 और y इक्वल टू 1 आ गया 4, तो प्लस वाला वैल्यू ही आंसर होता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो y इक्वल टू यहाँ आंसर क्या आ गया आपका 4, तो इसका आंसर आपका 4। तो ये तो सिंपल विधि है, लेकिन ट्रिक से बस ये आपको देखना है कि ऐसा गुणक खोजिए जो कि दोनों को गुणा करने पे 12 भी पूर जाए, दोनों में डिफरेंस 1 का ही हो मात्र। तो आप गौर कीजिएगा, 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12 पूर जाता है और दोनों में डिफरेंस भी क्या है, 1 का है। तो प्लस वाले केस में जब क्वेश्चन में प्लस रहे तो उसमें बड़ा वाला वैल्यू ले लेते हैं, और जब क्वेश्चन में माइनस रहे उसमें छोटा वाला वैल्यू ले लेते हैं। डायरेक्ट हम यहां से भी आप 4 आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप लोग बनाइएगा जरा, 72 - √72 - √72 ……… इसका क्या आएगा, तो यहां पर 9 × 8 = 72 होता है, 9 और 8 होगा, तो माइनस केस में छोटा वाला वैल्यू मिलेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएससी वगैरह में पूछ देता है, और खास करके जो एसएससी जीडी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक चैप्टर जो है ना यही सब, वर्गमूल घनमूल घटान करनी कैलकुलेशन ये सब पे ज्यादा आप पढ़िए, यही सब क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जब रूट को लिमिटेड टाइम तक रिपीट किया होगा तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपका यहाँ पे पी है √P है अगर इस तरीका से है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं p^2 n - 1/2 n, जहां p संख्या है जिसको रिपीट किया गया है, कितने बार रिपीट किया गया है वो n टर्म्स है, ये क्या है आपको n लिखते, ये ट्रिक का यूज करके आप बना लेते, नहीं तो सिंपल विधि से बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक लिख लीजिएगा, जब कोई भी संख्या को बार बार रिपीट किया है और वो इन्फिनिटी तक नहीं गया, इन्फिनिटी तक जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर 2 ही हो जाएगा, अगर 3 को बार बार लिखा लास्ट में डॉट डॉट अनंत तक कर दिया है तो उसका आंसर 3 ही हो जाएगा, 2 है तो 2 ही हो जाएगा, लेकिन यह अनंत तक नहीं ले गया, लिमिट टाइम कर दिया, कितने बार रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6 इसको रिपीट किया है तो 2 तो 2 लिख देंगे, और फिर 2^6 - 1/2 / 2^6, 2 का 6 करेंगे तो 64, 64 - 1 = 63 / क्या हो गया 64,
आंसर हो गया 2 पावर 63/64, ऑप्शन नंबर 1, 4, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, p^2^n-1/2^n, इसी ट्रिक का यूज करके बना दीजिएगा, सिंपल विधि से बनाइएगा, टाइम लगेगा, बन जाएगा लेकिन बहुत। अब देखिए यही डॉट डॉट कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉट डॉट मतलब अनंत आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन है कुछ नहीं है, इसको बस तोड़ देते, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 169/144 रूट ओवर, और इधर क्या हो जाएगा बताइए, 12 + x/12, यही होगा, अगर इसको लिख सकते हैं 13/12 = 12 + x/12, दोनों तरफ है कट गया, तो 13 = 12 + x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 13 - 12 यानी 1, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, क्या किन्हीं को दिक्कत हुई है। अब ये क्वेश्चन है तो हमने पहले ही बताया, जब भी रूट दिखे और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना, तो यहाँ रूट ओवर 4x + 10 है इक्वल टू क्या कर दिया 5, तो स्क्वायर कर देगा दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, 4x + 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, और 4x इक्वल टू क्या आ गया 15, 25 में से 10 गया 15, x इक्वल टू आ गया 15/4। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है 5y + 3, यही साइड में कर लेते, 5y + 3 इक्वल टू इसका निकालना है 64 का क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 4, तो उधर जाएगा तो 5y इक्वल टू क्या आ गया 4 में से 3 गया 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स वाई, एक्स का मान निकाले थे 15/4 और y का मान कितना निकाले थे 1/5, तो यहाँ पे 5 दिया है 15, तो आंसर क्या आ गया आपका 3/4, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका 3/4 को अगर आप कीजिएगा तो 3/4 को दशमलव में बदलिए, 3/4 है ना, नहीं तो क्या आ जाएगा 0.75, तो 0.75 आंसर, ठीक है। तो आज इतना रहने देते हैं क्योंकि नहीं तो कहिएगा तो हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं प्रयास कीजिएगा तब तक फिर जो है आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास बुक है ही सगीर अहमद का, उसको फॉलो कीजिए, और हम जो है PDF के रूप में आज आपको हम भेज देते हैं, ठीक है, तो उसको घर पे बैठ करके आप लोग बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जब मैथ का होगा तो उसमें वर्गमूल घनमूल के जो भी प्रॉब्लम है आप, ठीक है, वो कवर करा देंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा वर्गमूल घनमूल, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से बना लीजिएगा तो दिक्कत कभी नहीं होगा इसमें, और ट्रिक जो हमने बताया है उसको जरूर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा। कल रीजनिंग है सर? हाँ, कल क्लास आपका रीजनिंग का होगा। टॉपिक? टॉपिक उसके आगे ब्लड रिलेशन शायद हो रहा था, तो उसके आगे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हो सकता है डायरेक्शन तक हम लोग पहुंच जाए, ठीक है, दिशा परीक्षण तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी बात हो रही है कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जबकि हमने बोल भी दिया जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले से उनको पेमेंट करने की नहीं है, पेमेंट नहीं करना है, जो नए हैं जो बाहर के हैं जो एडमिशन नहीं लिए उनको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के चक्कर में सब जो है जुड़ना बंद कर दिया। अब बताइए कैसे कोई भी टीचर आप लोग को पढ़ाएगा इस तरीका का जो आप लोग करते हैं, पेमेंट मांगने के बाद जो है क्लास ही सब छोड़ देता है, पढ़ाई तो उसी रेशियो में अगर आप ढंग से पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहेंगे तो ऑनलाइन माध्यम भी बेहतरीन माध्यम, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, बशर्ते स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने की लालसा होनी चाहिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक, किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। हाँ।
पूछना है? चलिए स्टॉप सेव करते हैं।